नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के 3.25 लाख कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी अपडेट आपके समक्ष लाए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी संशोधित वेतनमान के लिए तीसरे विकल्प को लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो क्या ये पूरी अपडेट है कर्मचारियों से जुड़ी हुई आपके समक्ष साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश में 3.25 लाख कर्मचारियों से जुड़ी क्या बड़ी अपडेट है। तो संशोधित वेतनमान, अश्विनी बोले कर्मचारियों के लिए तीनों विकल्प दे हिमाचल सरकार। पंजाब सरकार की तर्ज पर हिमाचल के कर्मचारी सरकार से संशोधित वेतनमान के लिए तीसरे विकल्प को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अभी तक हिमाचल सरकार पंजाब के निर्धारित वेतन ही देती रही है। अन्य वित्तीय लाभ और भत्ते देने में पंजाब को आधार नहीं माना जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ पहले ही लिखित रूप में दे चुका है कि कर्मचारियों के समक्ष तीन विकल्प रखे जाएं, जो कर्मचारी पसंद करे उसे लागू करे। वहीं पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को तीन विकल्प दिए हैं। इनमें से एक विकल्प चुनकर पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को देने को कहा है, ताकि उसी आधार पर वहाँ के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ दिया जा सके। इन तीन विकल्प में 2.25%, 2.50% या 15% वेतन वृद्धि अपनाने का विकल्प सरकार ने चुनने को दिया है। हिमाचल सरकार की जारी अधिसूचना में तय संशोधित वेतनमान से उखड़े सरकारी कर्मचारी बुरी तरह से उखड़े हुए हैं, क्योंकि सिर्फ दो विकल्प दिए हैं। इसके अलावा बात करें तो हिमाचल के सरकारी कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारी दलील दे रहे हैं कि जब पंजाब सरकार के बराबर हिमाचल के कर्मचारियों को पहले भी वेतन दिया जाता रहा है, तो इस बार तीन के बदले सिर्फ दो विकल्प ही क्यों दिए गए हैं। जब प्रदेश सरकार कर्मचारियों पंजाब के बराबर वेतन देती रही है, तो अब भेदभाव क्यों किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर कहते हैं कि सरकार को 2 बार पत्र भेजा गया है। इसमें कहा है कि जब पंजाब ने 3 विकल्प दिए हैं, तो फिर हिमाचल ने 2 विकल्प क्यों दिए हैं। तो यही थी बड़ी अपडेट कि हिमाचल प्रदेश के 3.25 लाख कर्मचारी तीसरे विकल्प न दिए जाने पर नाराज हो गए हैं, क्योंकि पंजाब ने 3 विकल्प दिए हैं। तो वो भी चाहते हैं कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के कि हिमाचल में भी 2 विकल्प के अलावा तीसरा विकल्प भी दिया जाए। तो यही थी बड़ी अपडेट। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।